जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों उत्तराखंड सबऑर्डिनेट स्टेट सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यानी UKSSSC के द्वारा उत्तराखंड पे कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 पोस्ट, कंप्यूटर असिस्टेंट एंड रिसेप्शनिस्ट 3 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट 465 पोस्ट, रिसेप्शनिस्ट 5 पोस्ट, हाउसिंग इंस्पेक्टर 1 पोस्ट, मेट 268 पोस्ट और सुपरवाइजर 6 पोस्ट। टोटल कुल मिलाकर 751 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। एज लिमिट 18 से लेकर 42 ईयर, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट एंड रिसेप्शनिस्ट और जूनियर असिस्टेंट के लिए 12++ टाइपिंग और बाकी सब पोस्ट के लिए 12+ होना चाहिए, ठीक है। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 19,900 से लेकर 92,300 पर मंथ, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन उत्तराखंड, सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा। इसका सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ, मैं आप लोग को सिलेबस दिखा दूंगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट 11 अक्टूबर से अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। अप्लाई का लास्ट डेट 1 नवंबर 2024। एप्लीकेशन फी SC ST PWD EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपया, UR OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपया, जिनका माता पिता नहीं है ऑर्फन उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी की ज़रूरत नहीं है। और पेमेंट मोड ऑनलाइन, ऑफिशियल साइट www.sssc.uk.gov.in। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो, जो कि 4 अक्टूबर 2024 का नोटिफिकेशन निकला है। शुरुआत में ही डेट दी हो, आप यहाँ से डेट देख सकते हैं, ठीक है। 11 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर और करेक्शन डेट 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक एप्लीकेशन करेक्शन कर सकते हैं। अगर गलत एप्लीकेशन फिलअप करते हुए गलती हो जाता है तो, और परीक्षा होगा 19 जनवरी 2025 को, डेट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करूँगा, आप लोग वीडियो को पोस्ट वाइज कास्ट वाइज वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन एज लिमिट सब देख लीजिएगा, ठीक है। पहला पोस्ट आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, संस्कृत में लिखा हुआ, हिंदी मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आप लोगों को ये काम करना होगा, ठीक है। आप यहाँ से क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट वीडियो को स्टॉप करके आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे देख सकते हैं। कास्ट वाइज वैकेंसी, यहाँ पर सैलरी, एज लिमिट, आपको पास क्वालिफिकेशन किया चाहिए और टाइपिंग किस प्रकार आना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक, आप यहाँ से देख सकते हैं। सैलरी एज लिमिट, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग 12+ देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है कनिष्ठ सहायक, ये भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट शायद आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सैलरी, एज, क्वालिफिकेशन, कनिष्ठ सहायक, स्टॉप करके अपना हिसाब देख लीजिएगा, ठीक है। माफ करना, मुझे पढ़ना नहीं आता इसलिए, इंग्लिश में होता तो मैं पढ़ के बता देता। कनिष्ठ सहायक ये भी है, ये सब देख सकते हैं। इधर भी कनिष्ठ सहायक, अलग अलग डिपार्टमेंट में शायद आप देख सकते हैं, ठीक है। कनिष्ठ सहायक का बहुत सारे डिपार्टमेंट में शायद रिक्रूटमेंट होगा, अलग अलग आप ऐसे देख सकते हैं। यह दूसरा पोस्ट है,
देख सकते हैं। लास्ट है सुपरवाइजर। ये है डिटेल्स, ठीक है। परीक्षा किस प्रकार से होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, किस प्रकार से होगा। 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 2 घंटा टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पास मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, किस कास्ट के लिए कितना पास मार्क है देखिए, देख सकते हैं आप। जनरल ओबीसी के लिए शायद 45%, एससी एसटी के लिए 35 पाना होगा 100 में से, आप यहाँ से देख सकते हैं। OMR-based टेस्ट होगा ऑफलाइन, ठीक है। ऐसे पास मार्क कैसे क्या करना होगा बाकी थोड़ा ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका एज लिमिट जो आयु 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका आयु किस प्रकार होना चाहिए, आप ऐसे देख सकते हैं। ऊपर में तो आपने आयु देख लिया, आपका आयु का जो काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 के हिसाब से होगा, ठीक है। कास्ट वाइज रिलैक्सेशन यह सब देख लीजिए, यहाँ पर कास्ट वाइज रिलैक्सेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, आवेदन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए सिलेबस में जाते हैं। ये आपका जो इलेक्शन ऑफिस देख सकते हैं, पद डियर फ्रेंड्स सिलेबस में आ रहे हैं। यहाँ पर शायद आप लोगों के लिए एक ईमेल दिया गया है, शायद ये सहायता के लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो देना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो फी मैंने आप लोगों को बताया था ये इधर दोस्तों, अभी आ जाते हैं सिलेक्शन, मतलब बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा। अभी सिलेबस वाला पार्ट ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे सिलेबस दिया हुआ है, अभी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है आपका सिलेबस का पार्ट, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स सिलेबस, कंप्यूटर के किस किस विषय आपको जानना होगा, ठीक है। आप लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाके नोटिफिकेशन ओपन करके भी ये डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन ढूंढने में दिक्कत होता है तो आप लोग ऐसे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसे भी चाहे तो पढ़ सकें। बहुत सारा पढ़ना होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है, दिख रहा हूँ। 100 मार्क के लिए आजकल कंपटीशन बहुत टफ है, कॉम्पिटिटर भी ज़्यादा है एग्जामिनी, इसलिए पढ़ लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा, आज से ही पढ़ स्टार्ट कीजिए। ये सिलेबस का लास्ट पार्ट, ठीक है। इधर आपका सिलेबस ख़त्म होता है, इधर कुछ अलग अलग शायद सर्टिफिकेट्स है जो आपको अलग अलग कास्ट के हिसाब से ये सब सर्टिफिकेट आपको भर के ऑनलाइन फॉर्म के साथ जमा करना होगा, ठीक है। यह सब देख लीजिएगा, आपका किसका कौन सा सर्टिफिकेट है वो आपको फिलअप करके देना होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया। वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, ये लास्ट पेज है नोटिफिकेशन का, ठीक है। जय हिंद।